शुभम आ जाओ बैठो। नींद पूरी हुई? हाँ। तुमने अपने दांत साफ किए? क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मतलब? कल हमारे पाठशाला में हमारे मैडम ने और घराने पर माँ ने मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं का अंतर समझाया। वर्ग में मैडम ने हमें बताया था कि पहले जमाने में ऐसा टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा, दांत साफ करने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते थे? छी, याद ही नहीं आ रहा। क्या उन्होंने दातुन कहा? क्या तुन? ये जो अभी तुमने कहा ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मैं तुम्हें बताऊं, पिछले जमाने के लोग नीम के तिनके, बबूल का दातुन, अनार का छिलका, राख, कोयले की पूर, इससे दांत साफ करते थे। मालूम है, तब टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। छी, राख, छिलका। अरे, ये सब वस्तुएं प्राकृतिक हैं और उसमें मौजूद औषधि घटकों के कारण आजकल की पेस्ट जो काम करती है ना, वही होता था। लेकिन ये प्राकृतिक वस्तुएं कम समय के लिए टिकती है ना, इसीलिए बाद में रासायनिक प्रक्रिया की हुई टूथपेस्ट बाजार में आई, जो इस्तेमाल करने के लिए आसान और दांतों के लिए अच्छी भी थी। लेकिन यह पेस्ट किससे तैयार होती है? अरे, इस पेस्ट के मुख्य घटक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इनसे दांतों पर जमी मैल निकल जाती है और वो उन्हें बनाती है और भी चमकदार। और हाँ, उसमें फ्लोराइड नाम का एक घटक होता है जो हमारे दांतों का क्षय नहीं होने देता। ये घटक दांतों के इनेमल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ। पहले चीन, रोम में हड्डियां और सीपी की पाउडर टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी ही पेस्ट 19वीं सदी में पहली बार बनाई गई थी। कितनी मजेदार बात है ये। शुभम, जिस तरह हम हर इतवार को एक प्रयोग करते हैं, उसी तरह आज भी हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है? हाँ। यहाँ पर एक बोतल में पानी भरा हुआ है। ये तेल है, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? अब हमें एक काम करना है, इस बोतल में ये थोड़ा तेल डालना है, ठीक है? चलो तुम डालो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। आराम से, आराम से। करेक्ट, बस। छोड़ दो। अब इसे थोड़ा हिलाओ। अब इसे शांत होने दो, ठीक है? और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करो। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी शांत हो गया है और तेल वापस ऊपर तैरने लगा है। करेक्ट। अब हमें एक और चीज करनी है, ठीक है? अब ये जो साबुन पाउडर है, इसे हम उसमें डालेंगे, ठीक है? चलो खोलो वो ढक्कन, इसमें थोड़ा मिलाना। करेक्ट। अब बंद करो उसे। और उसे फिर से हिलाओ। रखो, शांत होने दो। ठीक तरह से उसका निरीक्षण करो। बता, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी और तेल का मिश्रण हो गया है और पानी का रंग भी बदल गया है। करेक्ट। अब ये किस वजह से हुआ, तुम्हें क्या लगता है? इस साबुन पाउडर की वजह से। करेक्ट। साबुन के अणु जो होते हैं, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और उनके दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। साबुन का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इसीलिए तेल के अणु जो पहले पानी में मिश्रित नहीं हुए थे, वो साबुन के कारण पानी में मिश्रित हुए
और पानी का रंग बदला। समझ में आई बात? साबुन में अनेक प्रकार के पृष्ठभाग पर फैलने का गुणधर्म है। इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियता। हाँ, और इन पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। हाँ, देखो हम सब नहाते हैं, बाल धोते हैं, तब क्या होता है? हम जब साबुन से नहाते हैं तब झाग होता है और हमारे शरीर पर जमी हुई मैल निकल जाती है। बालों को लगाया हुआ तेल भी निकल जाता है और वह स्वच्छ हो जाते हैं। अरे यही तो, झाग होना ही पृष्ठ सक्रियता का लक्षण है, समझे? फिर यही साबुन शैम्पू मतलब अपमार्जक, समझे? पहले हमारे मम्मी पापा या फिर नाना नानी दादा दादी रीठा शिकाकाई का इस्तेमाल बाल धोने के लिए करते थे, उससे भी बालों का मैल निकल जाता था। यह है प्राकृतिक अपमार्जक, ये पर्यावरण पूरक होते हैं और हानिकारक भी नहीं होते। लेकिन हम तो अब साबुन शैम्पू कपड़े धोने का साबुन इत्यादि इस्तेमाल करते हैं ना? अरे हाँ, लेकिन ये है मानव निर्मित अपमार्जक, ये ज्यादा समय के लिए टिकते हैं, प्रभावी होते हैं, इस्तेमाल के लिए भी अच्छे होते हैं और वो आसानी से मिल भी जाते हैं। अब उसमें भी नेचुरल, हर्बल, केमिकल ऐसे बहुत से प्रकार आ चुके हैं। क्या तुम्हें ये प्रयोग पसंद आया? हाँ, ये प्रयोग तो बहुत अनोखा था। अब दादा मैं नहाता हूँ और हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। ठीक, जाओ। अब आपको भी कुछ चीजें पहचाननी है। कोलगेट पाउडर, पेस्ट, इनके घटक ढूंढिए और डिटर्जेंट पाउडर के घटक पहचानिए।